Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So festivals are around the corners guys. So I thought ki is week ka videos kyun na festive se hi related ho. So starting with this, in this video I'm going to show you all kaise aap apne diyas ke liye beautiful and customized diya holders bana sakte hain. I hope you all like the video. So let's start the video. तो यहाँ मैंने जिस भी शेप का सोचा है मैं दिया होल्डर बनाऊंगी उसका एक बेसिक स्केच मैंने ड्रॉ कर लिया है. इससे हमें अपना शेप्स कट करने में भी इजी होगा एंड ड्रॉ करने में भी इजी होगा. ये मेरा कार्डबोर्ड है सो हम फटाफट से अपने सारे शेप्स को कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लेंगे एंड अब हम अपने कार्डबोर्ड के पीस को कलरफुल शीट्स एंड पेपर से डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मैं एक एक करके हर एक पार्ट को अलग अलग कलर से कवर करते जा रही हूँ. ये सब शेप्स मैंने अपने रेफरेंस जो मैंने टेम्पलेट बनाया था पेपर से उससे ही साइज मेजर करके मैंने उसको इसको कट किया है. एंड ये सब दिया होल्डर्स बनाना काफी इजी है. आई होप कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो. आप चाहे तो लोटस के हर एक पार्ट को एक कलर में भी कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डेवलप करना था इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग कलर करूंगी. सो यहाँ मैंने थर्ड पार्ट को कवर करना स्टार्ट कर दिया है. तो यहाँ बेसिकली मैंने बेस के लिए प्लेन पेस्टल शीट्स का यूज किया है एंड उसके ऊपर जो मैं डेकोरेशन कर रही हूँ उसके लिए मैंने फोम शीट यूज किया है ग्लिटर फोम शीट. एक एक करके मैं सारे अपने शेप्स को कवर कर लूंगी. अगर आपको इसको बनाने में कोई भी तरह का परेशानी आता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. आई होप कि आपको अभी तक का प्रोसेस अच्छा लग रहा है. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. सो यहाँ पे मेरा थर्ड पीस भी बनके कंप्लीट हो चुका है. अब हम थोड़ा सा पर्ल्स यूज करके इसको फाइनल टच देंगे. मैंने डिफरेंट कलर्स के पर्ल्स को यूज किया है अपने सारे दिया होल्डर्स को कवर करने के लिए. अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए. आप घर पे इसको अपने दियास को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप रंगोली के भी सेंटर पे इसको यूज कर सकते हैं. अगर आप इस पीस को रिक्रिएट कर रहे हैं मेक श्योर यू शेयर इट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन ऑल्सो टैग द स्टाइलाइज्ड क्राफ्ट या फिर आप अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो मेल इट टू मी. सो यहाँ मैं अब अपने थर्ड पीस को डेकोरेट करूंगी. सो इसके लिए मैंने वाइट पर्ल्स का यूज किया है. मैं सारे लोटस के जितने भी कर्व वाले एरिया होंगे मैंने वहां पे सारे अपने बीट्स को लगाया है.
सो यहाँ मेरे सारे होल्डर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। सो यहाँ मेरा दिया होल्डर बनके कंप्लीट हो चुका है। So that's all for this video, guys. I hope you all like the video. If you like the video, please make sure you hit the like button and subscribe to my channel for more such contents. Thank you.